आदरणीय सुशासन बाबू पर सवाल उठता है कि जिस सुशासन की बात आप करते हैं, जिस अनुशासन की बात आप करते हैं, जिस महिला सुरक्षा की बात आप करते हैं, जिस शराबबंदी की बात करते हैं और जिस तरह आप अपने शासन पे बैठे हुए मंत्रियों की बात करते हैं कि हमारे, तो उन पर सवाल या निशान खड़ता है कि जिसका मुखिया ही, मुखिया की भी सन्निहितता है। देख रहे हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के विधायक हैं, आज क्या कुछ हुआ है सदन में? आज सदन में आपने, आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा, आज जिस तरह से सभा की, सदन की अध्यक्ष की कुर्सी को शर्मसार किया गया है, ये हम सभी के लिए और सत्ता पक्ष के लोगों ने ही, माननीय मंत्री जी ने इस गरिमा को आहत करने की कोशिश की और आहत किया और बिल्कुल ही बेहद ही लोकतंत्र के लिए और बिहार की विधानसभा की जो हमारी संवैधानिक जो पीठ है उसकी आधारभूत संरचना में कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा कर दिया सत्ता पक्ष के लोगों ने। एक बात बताइए कि क्या आपने कभी ऐसी घटना की जिक्र सुना था, कभी भी ऐसी घटना का जिक्र सुना है? नहीं, मैंने कभी नहीं सुना था और मैंने, और चूंकि मैं पहली बार विधायक चुनी गई हूं और मैं जानती हूं कि इस देश के संविधान के प्रति और इस विधानसभा में सदन के प्रति किस तरह से अनुशासनात्मक रूप से, क्योंकि आपको 14 करोड़ जनसंख्या बिहार की जनता ने चुनकर आपको भेजा है और इसलिए नहीं भेजा क्योंकि आप बच्चे नहीं हैं और बचकाना हरकत अगर विधायक करेंगे तो ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है और आप ही जब पद की गरिमा को नहीं बना के रखेंगे, नहीं अक्षुण बना के रखेंगे तो किस अनुशासन की बात करते हो? और सवाल उठता है यहाँ के शासन, आदरणीय सुशासन बाबू पर सवाल उठता है कि जिस सुशासन की बात आप करते हैं, जिस अनुशासन की बात आप करते हैं, जिस महिला सुरक्षा की बात आप करते हैं, जिस शराबबंदी की बात करते हैं और जिस तरह आप अपने शासन पे बैठे हुए मंत्रियों की बात करते हैं कि हमारे, तो उन पर सवाल या निशान खड़ता है कि जिसका मुखिया ही, मुखिया की भी सन्निहितता है इसमें। शराबबंदी की बात की है आपने, आपके नेता जो हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि जहां राम सूरत राय की जो स्कूल है वहां गाड़ी पकड़ाया था और एक सप्ते के अंदर अगर थाना नहीं खुलता है तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, क्या कहेंगे? और जिस तरह से बेहद ही बातें हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी ने जो कहा था और या आप कहे बेगा या पूरी तरह होम डिलीवरी हो रही है, थाने की संलिप्तता है और कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के हाथ के बिना बिहार में इस तरह से होम डिलीवरी नहीं हो सकती है, शराब को एक व्यवसायीकरण नहीं हो सकता है, तो सरकार की संलिप्तता है और सरकार की खुलकर नहीं बात कह पा रही है, सरकार सिर्फ अपनी पीठ थपथपा रही है लेकिन सरकार की जो कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। क्या आप साथ देंगे जिस तरह से उन्होंने बात की है मुख्यमंत्री आवास घेराव करने की? हाँ बिल्कुल, हम अपनी पार्टी के साथ हैं और मुख्यमंत्री, हाँ, और हम घेराव करेंगे 23 तारीख को, तो ऐसे भी हम लोग को घेराव करना है। थैंक यू। ये थे हमारे साथ आरजेडी के विधायक, जिन्होंने कहा कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि आज कहा जिस तरह से बात कर ले कि राम सूरत राय की और राम सूरत राय के जो भाई हैं उनके स्कूल में शराब पकड़ाया है और अभी तक वहाँ थाना नहीं खुला है, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मांग किया है कि अगर वहाँ थाना नहीं खुलता है तो एक सप्ते के अंदर अगर थाना नहीं खुलेगा तो वहाँ तमाम जो गठबंधन, महागठबंधन के घटक दल हैं वो जाकर सीएम हाउस का घेराव करेंगे। बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ, नमस्कार।